हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका अपने चैनल कंप्यूटर साइंस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी एमएस पेंट की, और एमएस पेंट में हमने होम मेन्यू पढ़ लिया था, और आज हमारा ये अंतिम क्लास है एमएस पेंट की। चलिए हम एमएस पेंट का जो हमारा अंतिम मेन्यू है व्यू मेन्यू, उसको स्टार्ट करते हैं। तो एमएस पेंट को हमने ओपन कर लिया है, इसमें हम सीधे चले आते हैं व्यू में। देखो दोस्तों, व्यू में अपने पास जो मेन्यू होता है, इस मेन्यू में तीन ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होता है जूम ग्रुप, दूसरा होता है शोर हाइड ग्रुप, और तीसरा होता है डिस्प्ले ग्रुप। चलिए इसकी हम इन कमांडों को हम रीड करते हैं और आगे इनका अध्ययन करते हैं। तो जैसे हमने कुछ से पहले स्टेप्स लेके हम यहाँ पेंटिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिए और इनमें अलग अलग कलर में यहाँ से फिल कर देता हूँ। ये पीछे का जो होम मेन्यू मैंने पिछले क्लासों में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ भी देख सकते हो। चलिए आइए हम अपने मेन्यू पे आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबा दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले जो व्यू मेन्यू अपने पास आ रहा है जूम ग्रुप, इसमें तीन कमांड होती है, जूम इन, जूम आउट और 100%। इन तीन कमांडों का दोस्तों ये होता है, यहाँ पर जो जूम इन आ रहा है, हमने जो पेंटिंग बनाया है इस पेंटिंग एरिया में हमारे पास जो स्क्रीन शो हो रही है, इस स्क्रीन को अगर हमें बढ़ाना है तो हम जूम इन करते हैं। और जूम आउट का मतलब होता है कि हमने जो पेंटिंग है अपनी जो जूम साइज़ है वो बढ़ाई है, उसको हम कम करने के लिए जूम आउट करते हैं। और 100% का मतलब ये है कि अगर हम जूम साइज़ कम रखते हैं 100 से, या 100 से ज़्यादा है और हमें डायरेक्ट सीधा 100% पर आना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। चलिए आइए अब इन कमांडों के द्वारा हम इनका उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं जूम इनका। जूम इन की शॉर्ट की होती है Ctrl+Page Up। तो देखिए इस पर जाएंगे और हमें यहाँ इसकी शॉर्ट की भी शो हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों। इसके साथ जो हमारे पास यहाँ जो स्टेटस बार पर जूम स्लाइडर आ रहा है, अब देखो इसकी जूम साइज 100% है। ये जो जूम लेवल है देखो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जाएगा जब हम जूम इन पर क्लिक करेंगे। देखो मैंने एक सिंगल क्लिक किया, देखो सीधा 200% हो गया। फिर क्लिक करते हैं 300, 400, 500, 600, 700 और ये अंतिम अपने पास 800। और इस कमांड से हम अधिकतम इसके जो जूम साइज है वो हम 800% कर सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगली कमांड अपने पास आ रही है जूम आउट। जूम आउट जो कमांड है इसकी शॉर्ट की होगी Ctrl+Page Down। ये हम कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। अभी हम कमांड के द्वारा करते हैं। तो देखो इस पर आते हैं, कमांड का नाम हमें शो रहा है जूम आउट, और इसकी शॉर्ट की आ रही है Ctrl+Page Down। देखो दोस्तों यहाँ PG और DN का मतलब लिखा है, इसका जो मतलब है पेज डाउन है, तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। यही बात देखो यहाँ जूम इन में भी लागू होती है। चलिए हम जूम आउट पर क्लिक करते हैं। देखो अपनी जो जूम साइज़ है, यहाँ देखते रहिए दोस्तों, अपनी जो जूम साइज़ है देखो घटती जा रही है, 700, 600, 500, 400, 200, 100। अब देखो ऐसे धीरे धीरे कम हो जाएगी, और मिनिमम जो अपनी जूम साइज़ है वो हम इससे 12.5 कर सकते हैं। देखो इस पर क्लिक करता हूँ 25, एक बार और क्लिक कर देते हैं। देखो मिनिमम जो इससे जूम साइज़ आई वो अपनी है 12.50%, इससे कम हम इसकी जूम साइज़ नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों ये दोनों बात आपको क्लियर है। तो चलिए हम तीसरी कमांड में आते हैं। तीसरी कमांड अपने पास आ रही है 100%, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होगी, ठीक है। और कमांड का भी नाम 100% ही है। अब देखो अपने जो जूम साइज़ है वो यहाँ पर 12.50 है, ठीक है। इस जूम साइज़ को हमें सीधा लेवल है जो अपना 100% पर करना है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अपनी, देखो या आप यहाँ जूम साइज देख सकते हो आपकी पेज की, कि यहाँ सीधा 100% हो चुका है। तो आप इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस कमांड का उपयोग इतना है। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं। अगला ग्रुप अपने पास आ रहा है शो और हाइड ग्रुप। शो और हाइड ग्रुप में अपने पास तीन कमांड होती हैं, रूलर्स, ग्रिड लाइंस और स्टेटस बार। ये तीनों जो होती कमांड है वो एक प्रकार से हमें यहाँ रेखा रूप में प्रदर्शित होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रूलर की। रूलर और जो ग्रिड लाइन है, अगर हम एमएस पेंट में कोई ग्राफ बना रहे हैं या हमारी जो पेंटिंग है उसको ग्राफ फॉर्मेटिंग देना है, तो हम इन कमांडों का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले मैं रूलर पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम रूलर्स पर क्लिक किया, देखो उसके चारों ओर एक ग्राफ फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। ये एक्स वाई से डिवाइडेड होती है एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद ये देखो शो हो गई अपनी। फिर ग्रिड लाइंस, अपने जो ये पेज है इसके अंदर जो ग्राफ टाइप में रेखाएं होती हैं उनको लाने के लिए हम ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने ग्रिड लाइन पे क्लिक किया, देखो अब इसमें हमारे पेज में पीछे छोटी 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 देखो बॉक्स से बन गए हैं, और ये पूरी तरह एक तरह से ग्राफ फॉर्मेट आ गया है।
उसके बाद नीचे नीचे अपने पास आता है स्टेटस बार। देखो अपने स्टेटस बार पहले से शो थी, जो ये जूम स्लाइडर होता है, ये जो रेखा आ रही है इसे स्टेटस बार कहते हैं, ये पहले से शो थी। आप इसको हमें क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो होगी इनको शो करने के बाद। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हो, देखो नीचे से क्लिक करते हैं स्टेटस बार, देखो नीचे से स्टेटस बार गायब हो, यहाँ से हट गई है। और ये जो रेखा है ना स्क्रॉल बार, देखो इस हमारी जो टास्क बार उसके जस्ट ऊपर आ गई है। ऐसे ग्रिड लाइन्स में आते हैं तो ग्रिड लाइन की शॉर्ट की कंट्रोल जी होती है, और हमारे पास देखो ये जो ग्रिड लाइन्स आ रही है हम इनको हटा देंगे। ये जो शॉर्ट की है विंडो 10 में काम करती है, विंडो 7 में काम भी नहीं करती है। इस पर क्लिक करते हैं तो अपने पास देखो यहाँ की जो ग्रिड लाइन है वो हट जाती है। उसके बाद देखो रोलर्स थी, रोलर्स भी देखो अपने पास जो यहाँ रेखा थी देखो सारी की सारी हट चुकी हैं। तो इस प्रकार से आपको जो रेखा यहाँ लेके आनी है उनको लेके आ सकते हो, जिनको आपको हाइड करना वो आप हाइड भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने स्टेटस बार को वापस एक्टिव कर लेते हैं। उसके बाद हम तीसरे ग्रुप में आ जाते हैं, और तीसरे ग्रुप में अपने पास दो कमांड मिलेंगी। ग्रुप का नाम है डिस्प्ले ग्रुप। इसमें तो दो कमांड आ रही है, एक तो फुल स्क्रीन है, दूसरी थंबनेल। फुल स्क्रीन की जो शॉर्ट की होगी वो F11 होगी, यानी कि दोस्तों जो फंक्शन की है F11 वो इस पिक्चर को फुल स्क्रीन मोड पर कर देगी। तो चलिए आइए हम इसमें आ जाते हैं। देखो हमारे पास इस पर जाते हैं तो इस कमांड का नाम प्लस इसकी शॉर्ट की दोनों शो हो रही है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपने जो पेंटिंग बनाई है वो पूरी स्क्रीन पर हो जाएगी। देखो मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के साथ अपनी जो पेंटिंग थी देखो पूरी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो वापस हमें एकदम पीछे आना, यहीं पर आप क्लिक कर देना, आप पीछे भी आ सकते हो। ये यूज़ होता है फुल स्क्रीन का। ओके, उसके बाद इसमें MS पेंट में अंतिम कमांड अपने आती है थंबनेल। ये कमांड देखो दोस्तों अभी शो नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ से जूम इन किया था, और हमारी पेंटिंग की जो जूम साइज थी वो अधिकतम हमने कितनी की थी 800। देखो ये कमांड अभी हाइड है, इसको शो करने के लिए कम से कम अपने जो पेज की जूम साइज है वो 200% तो होनी चाहिए। देखो जूम इन पर क्लिक करता हूँ, अपने पेज की जो जैसे 200% होती है ये कमांड एक्टिव हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारी पेंटिंग की जूम हमने 800% कर ली। अब हमने पेंटिंग के अंदर बनाया क्या है वो मैटर, अगर हमें एक बार ध्यान के लिए देखना हो तो हम इस थंबनेल का यूज़ करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक इसकी मिनी कमांड जो विंडो है वो हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगी, और जो पेंटिंग हमने बनाई है उसका व्यू हम कर सकते हैं। देखो इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ अपने पास देखो थंबनेल नाम की यहाँ एक छोटी विंडो आ गई है। अब इसको आप थोड़ा बड़ा कर लेना यहाँ से, तो बड़ा करने के लिए देखो आप जैसे आप कर्सर यहाँ रखोगे, कर्सर यहाँ रखोगे तो देखो एक तीर का निशान बन जाएगा। ठीक है, इससे आप अपनी पेंटिंग की जूम साइज है उसको बढ़ा भी सकते हो। देखो यहाँ से अब हमने जो पेंटिंग बनाई है उसका व्यू देखो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, और हमने इसे पीछे वाले पेज में यही पेंटिंग बनाई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो अपना MS पेंट है वो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।